In previous classes, we are discussing about the heat transfer process and conduction heat transfer process has been completed. Toward today, यानी कि आज की क्लास में हम कंडक्शन और रेडिएशन हीट ट्रांसफर के बारे में डिस्कस करेंगे ब्रीफली. सो जनरली कंडक्शन हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस इन केस ऑफ द सॉलिड, यानी कि वैन वी आर हीटिंग द रोड ऑफ ए सॉलिड, या किसी सॉलिड एलिमेंट को हम हीट कर रहे हैं. सो हीट इज ट्रांसफर विद इन दैट मटीरियल, यानी कोई मेटल का बना हुआ, कोई सपोज करो कि आयरन की रोड है, या कोई भी क्या कहते हैं मेटल का बना हुआ कुछ भी हो सकता है. इट्स नॉट कि कोई रोड है, कोई और भी किसी शेप का हो सकता है. सो अगर कोई मेटल का कोई बना हुआ है, एल्यूमिनियम का हो, कॉपर का हो, सिल्वर का हो, गोल्ड का हो, सो उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, वो कैसे होती है तुम्हारी कंडक्शन की होती है. और कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है कि जब मॉलिक्यूल जो एटम्स है वो पास वाले एटम को अपनी हीट देगा, सिमिलरली वो दूसरा आइटम अपने तीसरे आइटम को देगा, तीसरे चौथे को देगा. सो सिमिलरली इन दिस वे कि यानी हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम एंटायर सॉलिड बॉडी. सो वो तुम्हारा क्या होता है कंडक्शन हीट ट्रांसफर. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कंडक्शन हीट ट्रांसफर प्रोसेस एंड इट विल हाउ इट विल टेक प्लेस एंड वाट इज द थर्मल कंडक्टिविटी. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड फिनोमेना ऑफ द हीट ट्रांसफर, दैट इज द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर. सो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होता क्या है, ये किस में होता है? सो जनरली सपोज करो कि वी आर हीटिंग द पैन, यानी कि एक पैन में हमने वाटर लिया या किसी वेसल में हमने वाटर लिया और वी आर प्रोवाइडिंग द हीट टू द पैन एट द बॉटम. वाटर को क्या हवा में एयर में गर्म करते हो या किसी वेसल में रख के गर्म करोगे, पैन में रख के गर्म करोगे? पैन में रख के बॉयल करोगे ना, करोगे ऐसे तो है नहीं कि एयर में करके बॉयल कर दोगे, उसमें वो पानी जो है बॉयल होता रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज हमें क्या करना पड़ेगा, उस वाटर को एक किसी पर्टिकुलर जो हमारे पास वेसल है या कंटेनर है उसमें क्या करेंगे, उसको हम फिलअप करेंगे, उसके बाद उसको नीचे से हीट देंगे. सो नाउ कि वो तो किसी मेटल का बना हुआ है, जो पैन है हमारा इट इज़ मेड ऑफ द मेटल. सो उसमें कैसे हीट ट्रांसफर होगी, उस मेटल के अंदर तो कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होगी. बट फ्रॉम दैट जो वो मेटेरियल का बना हुआ, उससे जो तुम्हारी जो लिक्विड है उसकी सरफेस से लिक्विड में जो हीट ट्रांसफर होगी, या लिक्विड जो यानी जो वाटर के मॉलिक्यूल के जो हीट होते हैं, यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है एंड दे विल वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो वो जो हीट ट्रांसफर होती है वो होती है तुम्हारी कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर. यानी कि वी आर प्रोवाइडिंग हीट टू द वेसल, वेसल को हीट दे रहे हैं नहीं दे रहे हम, जैसे मैं बताओ. यानी कि एक जो हमारे पास जो वेसल है, वी आर प्रोवाइडिंग द हीट टू द, यानी कि सपोज करो हमारे पास ये पैन का बॉटम सरफेस है एंड वी आर प्रोवाइडिंग द हीट, इसको हम क्या कर रहे हैं बॉटम से इसको हीट दे रहे हैं, इसको बॉटम से हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं नीचे से इसको, वी आर हीटिंग दिस. सो इसकी सरफेस में हीट आ गई, ये किसी न किसी मेटेरियल का कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी इसकी, सपोज करो कि 5 mm 10 mm कुछ थिकनेस होगी इस मेटल की. सो वी आर गिविंग द हीट टू द मेटल, फर्स्ट वी आर गिविंग हीट टू द मेटल, डायरेक्टली हम वाटर को तो नहीं दे रहे, ये वाटर को दे रहे डायरेक्टली? नो सर, वी आर प्रोवाइडिंग द हीट टू द दिस वेसल, यानी कि ये जो वेसल को दे रहे हैं ये किसी मेटल का बना हुआ है. नाउ मेटल की सरफेस का टेम्परेचर जब हीट कर जाएगा, अब ऐसे नहीं कि वाटर जो उसमें एकदम हीट नहीं होता, कुछ टाइम लेता है. सो पहले क्या होता है, मेटल हीट होगा, मेटल हीट होने से नाउ द मेटल जो होगा अपनी हीट जो है, यानी कि अपने सरफेस से, यानी कि मेटल विल ट्रांसफर द हीट फ्रॉम इट्स सरफेस टू द वाटर. तो वो जो हीट ट्रांसफर होती है सरफेस से मेटल की वाटर को, वो किसके थ्रू होती है, वो कौन सा मोड होता है हीट ट्रांसफर का, दैट इज द कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. समझ में आ गया कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कहाँ होती है? जनरली जो है कन्वेक्शन, यानी कि कन्वेक्शन जो टर्म है दैट इज जनरली रिफर टू द हीट ट्रांसफर इन द लिक्विड, यानी कि लिक्विड में जो हीट ट्रांसफर होती है, सॉलिड से लिक्विड में जो हीट ट्रांसफर होगी उसको भूल जाओ. यानी वाटर हमने जो है वाटर के मॉलिक्यूल को हीट दे दी, जो मेटल से हमने वाटर के मॉलिक्यूल को हीट दे दी. अब मेटल के वाटर के मॉलिक्यूल की तो लेयर है ना भाई, कुछ ना कुछ लेयर होगी, एक के ऊपर एक लेयर होगी, ऐसे ना नंबर ऑफ मॉल. सो पहली लेयर से दूसरी लेयर में जो हीट जाएगी और दूसरी लेयर से तीसरी लेयर में जो हीट जाएगी, सो वो कैसे जाएगी, वो कन्वेक्शन के थ्रू जाएगी. कैसे जाएगी वो, कन्वेक्शन के थ्रू. कन्वेक्शन के थ्रू.
अब इसमें ये कंपल्सरी नहीं होता है एज इन केस ऑफ द यानी कंडक्शन में जो है कंडक्शन की ये टर्म्स है कि कंडक्शन में क्या होता है कि जैसे सपोज करो नंबर ऑफ हमारे पास जो एटम्स है मतलब सॉलिड के अंदर जो एटम्स है 1 से लेकर 5 तक मतलब 1, 2, 3, 4, 5 एटम एक दूसरे से सटे हुए हैं तो पहला एटम हीट होगा उसके बाद दूसरा हीट होगा उसके बाद तीसरा हीट होगा उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ उसके बाद फिफ्थ हीट होगा मतलब एक ऑर्डर में जो है तुम्हारा हीट ट्रांसफर होगी एक ऑर्डर में हीट ट्रांसफर होगी बट इन कन्वेक्शन व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग द हीट टू द वाटर मॉलिक्यूल सो इट इज नॉट कंपल्सरी के जो एक वाटर मॉलिक्यूल एक लेयर से दूसरी लेयर में भी जा सकता है और पहली से तीसरी में भी मूव कर सकता है फोर्थ में भी मूव कर सकता है और डायरेक्टली सरफेस पे भी मूव कर सकता है तो ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि वो पहली से दूसरी लेयर में जाएगा बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो इन केस ऑफ द कंडक्शन कंडक्शन में क्या हो रहा है कि हम जो है पहले पहले मॉलिक्यूल पहले एटम्स को हीट देंगे उसके बाद दूसरा एटम हीट होगा बट इसमें क्या है तुम्हारा पहला यानी कि पहली लेयर को अगर हमने हीट कर दिया तो ऐसा कंपल्सरी कि दूसरी लेयर में जाएगा वो दूसरी लेयर में तो जाएगा हो सकता है उसको जंप करके तीसरी लेयर में चला जाए बात समझ रहे हो वो जंप भी कर सकता वो जंप भी कर सकता है इसलिए कन्वेक्शन में क्या होता है कि ये तुम्हारा डिफरेंस होता है कन्वेक्शन और कंडक्शन में कंडक्शन में तो सिंपली ये कि एक एटम दूसरे एटम को हीट देगा बट इसमें क्या है कि अगर हमने पहली वाली लेयर में जो वाटर के मॉलिक्यूल है अगर उन्हें ज़्यादा हीट मिल गई उनका टेम्परेचर ज़्यादा हीट कर गया तो डायरेक्टली वो सरफेस पहुँच जाएंगे वाटर की वाटर सरफेस पर पहुँच जाएंगे पहुँच जाएंगे अरे ये सब वाटर की जो है तुम्हारी सरफेस पर पहुँच जाएंगे सपोज करो कि हमारे पास ये पैन है हमारा ये यहाँ तक इसमें सपोज करो कि वाटर से भरा हुआ है ये वाटर से क्या है इसमें वाटर है नहीं इसमें वाटर है यहाँ तक भरा हुआ वाटर है तो वाटर यानी कि वी आर प्रोवाइडिंग द हीट फ्रॉम द बॉटम हम बॉटम से हीट दे रहे हैं यस या नो सर यहाँ से हम हीट दे रहे हैं इसको तो हीट जो है तुम्हारी किस पे आएगी पहले जो वाटर के मॉलिक्यूल जो इसके मैटर के कॉन्टैक्ट में हो उन्हीं पे तो आएगी डायरेक्टली ऊपर तो चली जाएगी जो ऊपर वाली सरफेस में वाटर के मॉलिक्यूल है ये नो चली जाएगी नो सर नहीं जाएगी हाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे इस मेटल की सरफेस के कॉन्टैक्ट में उनमें हीट जाएगी आफ्टर दैट वो जो मॉलिक्यूल है वो या तो वो ऊपर की तरह मूव करेंगे हीट गेन करके दे विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन यस या नो डायरेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेंगे नहीं करेंगे आफ्टर गेटिंग द हीट बिकॉज यस सर बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल विच आर इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेस उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया है और वाटर मॉलिक्यूल जो तुम्हारा वाटर की सरफेस में है यानी कि इस सरफेस में उनका टेम्परेचर लो है एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ऑलवेज हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टूवर्ड्स द लो टेम्परेचर सो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से कहाँ मूव करेंगे लो टेम्परेचर की यानी कि दे विल आफ्टर गेटिंग द हीट दे विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन यस या नो ऐसी तो होता है वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ मूव कर दे यस सर सो क्या होगा कि वो अब वो वाटर मॉलिक्यूल जो है बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल है उनको भी हीट दे सकते हैं या डायरेक्टली वो सरफेस पे भी मूव कर सकते हैं ऐसा कंपल्सन नहीं है कि पहले यहाँ के मॉलिक्यूल जो उसके बराबर वाले मॉलिक्यूल्स को हीट देगा फिर उसके बराबर वाले के मॉलिक्यूल्स को हीट देगा ऐसा जैसा कि तुम्हारा कंडक्शन होता है इट इज नॉट कंपल्सरी इन केस ऑफ द कन्वेक्शन सो जनरली ऐसा क्यों क्या सर लेकिन रीजन क्या है इसका लेयर बाय लेयर नहीं जाता है बताओ मैंने तो बता दिया ना क्यों रीजन क्या है मैंने तो इतनी देर से मैं क्या बता रहा हूँ क्या रीजन है सर वो आपने बताया वो जो हम हीट ट्रांसफर कराएंगे तो मेटल बिना के ऊपर भी जा सकता है वाटर मॉलिक्यूल के हाँ तो क्यों जाएगा बताओ वही तो वही ना सर वही पूछ रहे रीजन के जो मूव तो कर रहे हैं वो क्यों जाए वो डायरेक्टली जो है ऊपर की तरफ क्यों मूव कर रहा है मेटल तो ये आ रहा ना ये बताओ क्यों मूव कर रहा है We have already discussed these things in the very first class. When we are discussing about the how the water, यानी कि how water is converting into steam, ये सारी चीज़ें मैंने discuss कर ली है कोई नई चीज़ नहीं है तुम लोगों को जो बता रहा हूँ मैं अब बताओ मुझे तुम बताओ रीजन क्या होगा क्यों जा रहा हूँ ऊपर की तरफ वो क्या रीज़न है बताओ We have already discussed all these things. बताओ भाई किसको बताया ये बताओ जल्दी बताओ
तुम लोग जो है ना कुछ पढ़ा लिखना तो तुम लोगों को है नहीं, बस जबरदस्ती की जो है ना ड्रामेबाजी करनी है बैठ के। एक्चुअली क्या होगा इसमें, क्या होगा कि डायरेक्टली वो ऊपर की तरफ क्यों मूव कर जाता है, वी आर प्रोवाइडिंग द हीट टू द वाटर मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम्स लाइटर, जैसे वो हीट गेन करता है वो लाइट हो जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और कभी कभी इतनी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है वो कि सारे की सारी जितनी मतलब हायर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, हाई क्वान्टिटी में क्या कर लेता है एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब हाई क्वान्टिटी में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या वो रुकेगा कहीं? नो सर, वो तो डायरेक्टली सरफेस की तरफ मूव करेगा बिकॉज उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई हो गई है कि वो ऊपर पहुँच जाएगा। अगर एनर्जी कम गेन करेगा तो बराबर में जाएगा और थोड़ी और कम करेगा तो उसके बराबर में जाएगा, लेकिन इतनी इतनी हाई एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली है, उसका टेम्परेचर और टेम्परेचर इतना इंक्रीज कर गया है, इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी हो गई उसकी, उसकी मोशन इतना बढ़ गया है, वेलोसिटी इतनी बढ़ गई है, वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या है उसकी, इट हैज़ द हाई काइनेटिक एनर्जी, सो इट विल बी मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स द सरफेस बिकॉज उसने क्या कर लिया, हाई एनर्जी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया है, उसकी एनर्जी क्या हो गई, हाई हो गई है, वो ज़्यादा लाइट हो गया है, क्रिटिकल स्टेट में आ गया है, तो क्रिटिकल स्टेट में आ गया तो इट विल नॉट स्टॉप एनीवेयर विद इन द वाटर मॉलिक्यूल्स, इट विल बी मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स द सरफेस। समझ में आएगा क्यों मूव कर रहा है सरफेस की तरफ? कन्वेक्शन इट इज नॉट कंपल्सरी के वाटर मॉलिक्यूल्स विल ट्रांसफर इट इज टू द नेबर वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वो नेबर को दे सकता है या नेबर को नहीं देगा, दूसरे तीसरे घर में भी जाके दे सकता है, चौथे घर में भी जाके दे सकता है, वो डायरेक्टली जितना भी वह मतलब जितनी भी उसकी एनर्जी कर हाई एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिए तो डायरेक्टली लास्ट वाले सरफेस पे पहुंच जाएगा। सो ये होता है तुम्हारा जनरली हीट ट्रांसफर विद इन द लिक्विड, जनरली रिफर यानी कि कन्वेक्शन इज रिफर्स टू द हीट ट्रांसफर विद इन द लिक्विड, लिक्विड में जो हीट ट्रांसफर होती है वो तुम्हारी कन्वेक्शन के थ्रू होती है। समझ में आया किसके थ्रू होती है भैया? कन्वेक्शन के थ्रू होती है। अब ये क्या है कि जनरली एक तो होता है, दो तरीके का हम कन्वेक्शन कर सकते हैं, यानी एक तो सिंपली जनरली क्या होता है कि नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है तुम्हारे आफ्टर गेटिंग द हीट मूव फ्रॉम द बॉटम सरफेस ऑफ द पैन टूवर्ड्स द फ्री सरफेस, फ्री सरफेस की तरफ मूव करते नहीं करते, अरे बताओ yes, तो ये होता है तुम्हारा नेचुरल कन्वेक्शन कि हम कोई उसमें क्या कर रहे हैं, हम वाटर मॉलिक्यूल्स को यानी कि वाटर को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट नहीं करा रहे, मूव नहीं करा रहे, वो ऑटोमेटिकली नेचुरली क्या कर रहे हैं ड्यू टू द एनर्जी डिफरेंस यानी कि डेंसिटी डिफरेंस से बिकम्स यानी कि आफ्टर गेटिंग द एनर्जी वो लाइट हो जाता है, इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स द सरफेस यानी फ्री सरफेस की तरफ मूव करेगा। सो ये क्या है कि ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल, तो ये क्या है तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल का मोशन है, ये दिस आर द मोशन ऑफ द अर्थ, ये कहते हैं तुम्हारा नेचुरल कन्वेक्शन होता है, दिस इज नोन एज द नेचुरल कन्वेक्शन। बट इन सम केसेस अगर हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में वाटर है और हम उसको हीट करना है, जैसे कि इन केस ऑफ द बॉयलर होता है कि बॉयलर में हम क्या करते हैं वाटर को सर्कुलेट कराना पड़ता है कहीं, तो मोस्ट ऑफ द वाटर नेचुरल सर्कुलेटेड होते हैं, कुछ होते हैं फोर्स सर्कुलेटेड वाटर, फोर्स सर्कुलेटेड बॉयलर। सो फोर्स सर्कुलेशन का मतलब क्या है भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स सर्कुलेशन, कोई बताएगा? सर फैन से या किसी पंप से हम लोग वाटर ट्रांसफर करते हैं, हीट ट्रांसफर करते हैं, उसी को फोर्स ट्रांसफर बोलते हैं। वो हम वाटर को ही सर्कुलेट कराते हैं, हीट तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी, जो वाटर सर्कुलेट होगा यानी कि जैसे कि नेचुरल कन्वेक्शन में क्या हो रहा था कि वाटर जो है हम हीट कर रहे हैं वो नेचुरली क्या कर रहा है, बॉटम से सरफेस की तरफ मूव कर रहा है। बट क्या है कि हम अगर उसमें क्या करते हैं फोर्स में हमने कोई फैन लगा दिया, पंप लगा दिया, कोई अदर डिवाइस लगा दी, सो दैट वाटर मॉलिक्यूल्स करेंगे अब मोशन में आ गए, वो जल्दी हीट हो जाएंगे एज कम्पेयर टू द नेचुरल कन्वेक्शन, यस या नो? यस सर। एंड बट साइमल्टेनियसली कॉस्ट विल इंक्रीज बिकॉज वी नीड द उस वाटर को सर्कुलेट कराने के लिए एक जो हम पंप लगाएंगे या फैन लगाएंगे उसकी एडिशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, उसको ही तो पावर चाहिए, नहीं चाहिए रोटेट होने के लिए, बढ़ जाएगा, यस सर। बट इससे जो बेनिफिट ये होता है कि क्या होता है हमारा लेस टाइम में क्या होता है हमारी हीट ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि ड्यू टू द सर्कुलेशन ऑफ द वाटर, यानी कि वाटर जो है सर्कुलेट हो रहा है कंटिन्यूसली ऊपर से नीचे, तो सर्कुलेशन क्या होता है हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज कर जाता है, हीट ट्रांसफर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द नेचुरल कन्वेक्शन। यानी कि सपोज करो हमारे पास दो
दो पैन है जिसमें जो 100-100 लीटर वाटर है उसको हम हीट कर रहे हैं, एक को नेचुरली कन्वेक्शन है, दूसरा जो है फोर्स कन्वेक्शन है। तो जो फोर्स कन्वेक्शन होगा अगर हम सेम हीट प्रोवाइड कराएंगे तो फोर्स कन्वेक्शन वाले में जो है जल्दी हीट यानी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज कर जाएगा, वो जल्दी वाटर स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू द नेचुरल कन्वेक्शन। तो बेनिफिट क्या है, बेनिफिट भी है बट साइमल्टेनियसली कॉस्ट विल इंक्रीज। तो कॉस्ट को अगर हम छोड़ देते क्योंकि कॉस्ट नाउडेज नॉट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, याद है कि एफिशिएंसी इज प्ले द मोर इम्पोर्टेंट रोल। सो एफिशिएंसी विल इंक्रीज कर जाएगी, एफिशिएंसी इंक्रीज, यस सर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा। सो ये तुम्हारा होता है दो तरीके का, इसमें टाइम बचेगा ना, टाइम बचेगा, दो तरीके का ये तुम्हारा कन्वेक्शन होता है, नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन। तो ये समझ में आ गया नेचुरल कन्वेक्शन फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है और ये हीट कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर क्या होता है, सबको समझ में आ गया? यस सर। अब जैसे कि इन केस ऑफ द हमने पढ़ा था तुम्हारा ये कंडक्शन पढ़ा था, सो कंडक्शन में तुम्हारा कंडक्शन इज गवर्न बाय द फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, यानी कि जो मैथमेटिकली कंडक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फूरियर वाज अ साइंटिस्ट हु हैज गिवन द इक्वेशन रिलेटेड टू द कंडक्शन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट थिंग्स। यस यू नो कंडक्शन में कैसे मतलब कंडक्शन में क्या है कि कैसे जो है मैथमेटिकली क्या इक्वेशन है कंडक्शन हीट ट्रांसफर के लिए, वो हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ सिमिलरली देर इज ए हीट ट्रांसफर इक्वेशन फॉर द कन्वेक्शन ऑल्सो, कन्वेक्शन के लिए भी तो हीट ट्रांसफर इक्वेशन होगी कि हाउ मैथमेटिकली कन्वेक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड। सो इट इज गिवन बाई द न्यूटन्स, का न्यूटन्स जो था तुम्हारा, न्यूटन्स तो सब लोग जानते हैं न्यूटन्स के जो तीन मोशन, सिमिलरली न्यूटन्स ने जो है हीट ट्रांसफर यानी कन्वेक्शन के लिए भी इक्वेशन ली थी एंड दैट इज नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उसको हम क्या कहते हैं भाई, दैट इज नोन एज द क्या है तुम्हारा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। मैथमेटिकली इसको हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट, वेरी सिंपल, सपोज करो कि वी हैव ए यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक सॉलिड सरफेस है जैसे कि हमने पैन लिया था, सो वी हैव द पैन हियर, यानी कि हमारे पास ये हमारे पास पैन है और इस पैन को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं यहाँ से बॉटम से, ठीक है, इस पैन को हम हीट दे रहे हैं। सो पैन को यानी कि मेटल का बना हुआ है, मेटल से तो वाटर में हीट जाएगी, वाटर इसमें यहाँ पे भरा हुआ है, यस या नो? यस सर। सो वी आर एज्यूमिंग कि जो वाटर है, वाटर का टेम्परेचर, बिकॉज वाटर में जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनफाइनाइट होंगे, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर हम मान लेते हैं कि टी इन्फिनिटी से इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी इन्फिनिटी से सर, यानी टेम्परेचर ऑफ द वाटर विच इज इनसाइड, यानी कि जो इसके ऊपर है, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ तक भरे हुए हैं, सो सबका हमने एक कॉमन टेम्परेचर मान लिया है, क्या टेम्परेचर मान लिया है, टी इन्फिनिटी, ठीक है, टी इन्फिनिटी इज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द टेम्परेचर वेयर, यानी कि ये जो सरफेस का ये वाला पार्ट है, दिस पोर्शन, यानी कि दिस सरफेस हैज ए टेम्परेचर ऑफ टी एस, यानी कि जो मेटल का जो मेटल जो है तुम्हारी मेटल का जो तुम्हारा जो मेटल है इसका टेम्परेचर हमने कितना मान लिया, यानी मेटल के सरफेस में जो वाटर मॉलिक्यूल है, मेटल सरफेस की जस्ट कॉन्टैक्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल है उनका टेम्परेचर टी एस मान लिया हमने, यानी सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका टेम्परेचर टी एस है और उसके ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल है जितने भी सारे उनका सारे का टेम्परेचर क्या है भाई तुम्हारा, टी इन्फिनिटी है। सो एंड एरिया यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल जो बिल्कुल सटे हुए हैं यानी कि इसका जो सरफेस एरिया है उसका हमने एरिया मान लिया ए एस, एरिया कितना है भाई वाटर मॉलिक्यूल का जो इसकी सरफेस पे है, ए एस। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सेइंग कि ये कहता है तुम्हारा कि हीट कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एंड द वाटर मॉलिक्यूल। सो इट विल बी द यानी कि क्यू कन्वेक्शन का मतलब ये हो गया कि क्यू हीट ट्रांसफर तुम्हारा किसके प्रोपोर्शनल होगा, तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा, टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, एक तो ये तुम्हारा इसके प्रोपोर्शनल होगा, ये तुम्हारी एक प्रोपोर्शनलिटी आ गई। दूसरा ये कह रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो तुम्हारे यानी कि जो सरफेस की लेयर है ये वाली जिसका टेम्परेचर टी एस है इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो किस किस के सरफेस किस किस के प्रोपोर्शनल अभी तुम्हारा ये एरिया के प्रोपोर्शनल है और किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर डिफरेंस के, टेम्परेचर डिफरेंस। अब दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं बिकॉज दोनों प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब यानी कि क्यू कन्वेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द यानी कि ए एस के भी प्रोपोर्शनल है, यस या नो? यस सर। और टेम्परेचर डिफरेंस के भी प्रोपोर्शनल है,
यस या नो? अब अगर प्रोपोर्शनलिटी के हम साइन को इसमें से हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है दैट इज नोन एज द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, इसको कहते हैं हम कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। क्या है तुम्हारा ये? अगर हम इसमें प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आता है एच, एंड दिस इज नोन एज द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये एच। तो यहाँ पे ये तुम्हारा ये इक्वेशन आ गई, दिस इज द इक्वेशन फॉर द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, एंड हु इज द साइंटिस्ट हु हैज गिवन दिस इक्वेशन? न्यूटन। एंड दिस लॉ इज नोन एज द, यानी कि कन्वेक्शन यानी कि हीट ट्रांसफर इन द, यानी कि द फिनोमिनो ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इन द लिक्विड इज गवर्न बाई द न्यूटन्स, एंड दैट इक्वेशन इज नोन द लॉ विच गवर्न द कन्वेक्शन इज नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। एंड इक्वेशन क्या होती है? Q कन्वेक्शन इज इक्वल टू एच ए एस टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। सो एच क्या है तुम्हारा? एच इज द, एच इज नोन एज द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, और इसकी जो यूनिट होती है तुम्हारी क्या होती है? वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। और टी एस और टी इन्फिनिटी क्या है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि टी एस इज द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस एंड टी इन्फिनिटी इज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल विच इज फ्लोइंग अबव द सरफेस। सारे वाटर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर एक हमने कॉमन मान लिया एवरेज टेम्परेचर, दैट इज द टी इन्फिनिटी। सो सबको समझ में आया कि कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इक्वेशन क्या होती है मैथमेटिकली, कैसे हम ये उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर को? यस या नो? यस सर, यस सर। सिंपल सी है, एज वी हैव डिस्कस, यानी कि एज वी हैव लर्न द, जैसे कि उसमें क्या था कि कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर जो थी तुम्हारी फूरियर लॉ ने दी थी, वो तुम्हारा क्या होती है? एरिया के प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर डिफरेंस के यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होती है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। सो थोड़ा सा डिफरेंस है, वहाँ पे फूरियर था, यहाँ पे कन्वेक्शन न्यूटन्स है। सो डिफरेंस तुम लोगों को समझ में, वहाँ पे क्या था? थर्मल कंडक्टिविटी आता था, कि यहाँ पे क्या आ रहा तुम्हारा? कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आ रहा जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव कर रहे हैं। तो दिस इज नोन एज द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इक्वेशन। सबको समझ में आ गया भाई कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इक्वेशन? एनीवन हैव एनी टाइप ऑफ डाउट रिगार्डिंग इट? क्लियर सबको? यस सर, क्लियर। यस सर। ओके, नाउ वी विल बी मूव अगेन टुवर्ड द थर्ड मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर। तो दिस इज द सेकंड मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर, एंड थर्ड मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर इज नोन एज द रेडिएशन। ये क्या हुआ तुम्हारा? थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है तुम्हारा? रेडिएशन। एंड रेडिएशन एज इन केस ऑफ द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन वी नीड ए मीडियम, हमें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है हीट को ट्रांसफर करने के लिए। यस या नो? उसमें सॉलिड में हीट ट्रांसफर हो रही थी तो सॉलिड एक मीडियम है, और इसमें क्या है? लिक्विड एयर। इसमें क्या तुम्हारा? लिक्विड में ट्रांसफर हो रही थी, लिक्विड में जो हीट ट्रांसफर हो रही थी वो कन्वेक्शन के थ्रू हो रही थी, तो लिक्विड एक मीडियम है। बट रेडिएशन इज ए हीट ट्रांसफर इन विच देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम, यानी कि इसमें क्या है, कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है हीट ट्रांसफर होने के लिए। एंड वेरी सिंपल एग्जाम्पल, यानी कि सन रेस से जो हमें हीट मिलती है अर्थ पे, यानी कि हीट कहाँ जनरेट हो रही है तुम्हारी? सन में जनरेट हो रही है। एंड वी आर गेटिंग द, जैसे कि टेम्परेचर आजकल देख रहे हो 44-45 पहुँच रहा है, तो यानी कि ये क्या तुम्हारा? सन लाइट, तो यानी कि सोलर एनर्जी है। सो सोलर एनर्जी इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द सोलर यानी सन टूवर्ड्स द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन्स, और वेरी सिंपल वे कह सकते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू क्या होती है तुम्हारी? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो हमें सोलर एनर्जी मिलती है, यानी कि अगर हम आज के मौसम में अगर धूप में खड़े हो जाए तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा नहीं बॉडी का? यस या नो? करेगा सर। इवन दो विंटर सीजन में क्या होता है कि हमें सर्दी लगती है, और अगर सनी डे होता है, अगर हम हीट में क्या कहते हैं मतलब सनी, यानी कि सन इज वेरी शाइनी, तो अगर हम उसमें क्या होते हैं सन लाइट में खड़े होते हैं तो वी फील द रिलैक्स। वाई वी फील द रिलैक्स? बिकॉज वी आर गेटिंग द हीट फ्रॉम द सन, वी आर गेटिंग द हीट फ्रॉम द सन। यस या नो? सो दिस मीन के वी आर गेटिंग द हीट, बट वो हीट किस फॉर्म में आ रही है? सो हीट फ्रॉम द सन रीचिंग टूवर्ड्स द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन्स, उसको कहते हैं हम फोटोन्स की फॉर्म में आती है, और फोटोन्स का जो टेक्निकली नाम होता है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
यानी कि जो तुम्हारी सन से लेके अर्थ तक जो हीट आती है वो किसके किसके थ्रू किस फॉर्म में आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आती है। सो ये तो सबको समझ गए। एंड यानी कि इन दिस मीडियम देर इज अ नो मीडियम रिक्वायरमेंट, कोई मीडियम में तो आती नहीं है, कोई मीडियम में थोड़ी ना आती है। जनरली ये तो वैक्यूम में भी, वैक्यूम होता है वैक्यूम में भी क्रॉस कर जाती है, एयर होती है एयर को भी क्रॉस कर जाती है। सो फॉर रेडिएशन हीट ट्रांसफर देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। सेकेंडली, ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, सेकेंडली वी हैव ऑल्सो सीन द रेडिएशन आज के टाइम में जो है, जैसे कि वी कैन रियलाइज द रेडिएशन। जैसे कि क्या होता है कि अगर विंटर सीजन में हम क्या कहते हैं, हमारे पास जो अंगीठी होती है ना अंगीठी भट्टी जिसको कहते हैं, चूल्हा जलाते हैं, या ब्लोअर भी होता है, ब्लोअर भी आजकल यूज़ करने लगे, हीटर यूज़ करने लगे। तो हीटर से क्या होता है, हमें हीट मिलती है, जैसे रूम हीटर होता है तो हमें हीट मिलती है, यस या नो? यस सर। तो वो रेडिएशन के थ्रू मिलती है हमें, रेडिएशन के थ्रू मिलती है। यानी कि हीटर क्या करता है, रेडिएशन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या करता है, रिलीज करता है, फोटोन को रिलीज करता है, फोटोन रिलीज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिलीज करता है। तो वो क्या है तुम्हारा, दिस इज नोन एज द रेडिएशन। ये क्या है तुम्हारा, रेडिएशन है। क्या भी तुम्हारा वो एक तरीके का क्या है, वो रेडिएशन है सर, रेडिएशन है। जैसे कि नाउ डेज जो तुम्हारा ये मोबाइल टावर यानी सेल फोन का जो रेडिएशन है, जैसे कि पहले 2G चला, 3G चला, 4G चला, 5G आ गया है। क्या आ गया तुम्हारा, ये 5G। तो 5G का मतलब ये, 5G as it is saying that 5G is also more dangerous as compared to the 2G. So what is, why we are saying that 5G is more dangerous as compared to the 2G? क्या मतलब है इसका? क्योंकि सर इसमें रेडिएशन ज़्यादा होगी सर। हाँ, रेडिएशन ज़्यादा होगा। रेडिएशन का मतलब क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं, रेडिएशन इज मेजर इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है तुम्हारा, ज्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई इट इज, वी जनरली से के 5G इज डेंजरस आल्सो फॉर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के लिए तो हार्मफुल है, अदर ह्यूमन बीइंग एज वेल एज द अदर स्पीसीज, अदर लिविंग स्पीसीज के लिए क्या है तुम्हारा, ये डेंजरस है 5G रेडिएशन। सो रेडिएशन का सिंपली मतलब ये होता है कि, वेरे मेरा मतलब यहाँ पे तुम लोगों को बताने का ये है कि यू मस्ट बी अवेयर, यू मस्ट बी नो के वाट इज द मीनिंग ऑफ द रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब सिंपली होता है कि, रेडिएशन का मतलब क्या है कि, रेडिएशन का मतलब ये समझ लो कि फोटोन्स है, फोटोन इज ट्रांसफर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज बीन ट्रांसफर, यानी कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिल रही हैं। सन से जो अर्थ तक की डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है, तो जो हमें सन रेज मिलती हैं वो हम वी फील द कम्फर्टेबल इन द विंटर सीजन, बट अगर हम समर सीजन में खड़े हो जाएँ तो हमें ज़्यादा क्या होता है तुम्हारा, क्या होता है, हमें ज़्यादा क्या होता है भाई, ज़्यादा यानी कि हमें अनकम्फर्टेबल फील होता है। इसका रीज़न क्या है, कोई बता सकता है हमें विजय सर? विंटर में जो होता है हमारा आसपास का जो क्लाइमेट होता है वो कोल्ड होता है, इसकी वजह से वो एब्जॉर्ब कर लेता है सर। नहीं, रीज़न ये होता है कि सन जो है, यानी कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड इट विल टेक 365 डेज टू कम्प्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। यस यू नो? Yes, sir. और जनरली भी हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि सन एक स्टेशनरी, यानी कि सन जो है एक पर्टिकुलर पोजीशन में स्टेशनरी है, स्टेशनरी तो नहीं है, बिकॉज पूरा का पूरा गैलेक्सी जो है तुम्हारा वो रोटेट होता रहता है। सो सन की मतलब सन के चारों तरफ जो अर्थ मूव कर रही है, तो उसमें क्या होता है कि इन विंटर सीजन में क्या होता है, अर्थ जो है सन से दूर हो जाती है, ज़्यादा दूर हो जाती है। क्या होता है भाई विंटर सीजन में? डिस्टेंस क्या होती है सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। और समर सीजन में क्या होता है, डिस्टेंस क्या हो जाता है तुम्हारा, कम हो जाता है, तो नज़दीक आ जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर दूर होगा तो रेडिएशन कम आएगा, और अगर पास में होगा तो रेडिएशन ज़्यादा आएगा। बात समझ रहे हो, अभी समझ रहे हो? यस सर। अब दूर होगा तो वीक हो जाएगा। हाँ, वीक हो जाएगा, यानी कि हमारी फ्रिक्वेंसी वीक हो जाएगी, एम्पलीट्यूड यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, उनकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, उनकी क्या हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। सो दैट इज, ये बंद करोगे किस काम आएगी। सो इन द विंटर सीजन, दैट्स वाई कि विंटर सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर जो है डाउन रहता है, बिकॉज जो दूर होने की वजह से,
और समर से ये नजात होता है। अब सिमिलरली ये केस जो तुम यानी कि रेडिएशन को यू कैन बिकॉज रेडिएशन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, सिमिलरली अगर हम ज़्यादा रेडिएशन होगा तो एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, सो दैट्स वाई तुम्हारा जो 5G है, जो 5G का रेडिएशन एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द 2G एंड 3G। सो नाउ यू आर गेटिंग द आइडिया के वाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5G। आई कैन रिलेट दिस थिंग विद द समर एंड विंटर सीजन। समझ में आ रहा है सबको? यस सर, आ गया समझ में। सो जनरली रेडिएशन क्या है तुम्हारा? रेडिएशन क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब कितना ज़्यादा रेडिएशन होगा, कितना कम होगा, इट विल डिपेंड कि उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। समझ रहे हो कि कितनी स्पीड से वो रोटेट हो रही, कितनी दूर, कितनी क्या उसका एम्पलीट्यूड है। भाई सब लोग जानते हैं कि जो ये जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो ऐसे मूव करती है। यस या नो? ऐसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूव, यस सर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूव्स यानी कि ये जो होता है ये इसका एम्पलीट्यूड है कितना ज़्यादा है, और ये मैं ऐसे बना दूँ तो इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया। यस या नो? यस सर। तो दो वेव है, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और इसका कम है, तो हमें विंटर सीजन में ये वाली एम्पलीट्यूड वाली मिलती है, समर में हमारी ये वाली मिलती है। सो सिमिलरली नाउ यू कैन कि जितना ज़्यादा रेडिएशन, जिसका एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, उसका रेडिएशन उतना ही ज़्यादा होगा। बात समझ लो, फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। यस या नो? यस सर। बात समझ में आ रही, नहीं आ रही सबको? सर आ रही है। यस सर आ रही है। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाती है जितना ज़्यादा रेडिएशन होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ये बात तुम समझ लो। रेडिएशन का मतलब सिंपली क्या है कि फोटोन्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है अगर रेडिएशन ज़्यादा होगा तो। रेडिएशन तो है लो, हाई एंड लो, इसका मतलब ये समझ में आ गया हाई लो क्या होता है। बात समझ में नहीं आई, आ गई नहीं आ गई? ये सर लो में होता है सर, उसका साइन वेव फॉर्म बड़ा बड़ा होता है। हाँ, और जैसे कि आजकल जो है रेडियो जो होते हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कहाँ होता है, उसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं, थोरियम जो यानी जिससे थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया। तो यूरेनियम क्या है, उससे भी तो रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। व्हेनेवर जब कभी एटॉमिक बम का ब्लास्ट होता है, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पे हुआ था 1945 में हुआ था, तो उसमें क्या होता है कि ब्लास्ट होने से क्या होता है, रेडिएशन रिलीज करता है। वो क्या था, यूरेनियम था। तो यूरेनियम क्या होता है, मूव कर रहा है। यूरेनियम का मूव करना क्या है, वो तुम्हारा कहता है रेडिएशन है, बिकॉज वो क्या तुम्हारा कि वो पावरफुल है, ये ब्लास्टिंग एलिमेंट है, सो दैट इज डेंजरस आल्सो। तो रेडिएशन का समझ में आने के मेन मोटिव हेयर ओनली इज रेडिएशन, सबको समझ में आता है। बट रेडिएशन एक्चुअली है क्या, रेडिएशन इज जनरली आर द रेडिएशन इज मेजर इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड इसका टेक्निकल पैरामीटर होते हैं, द टेक्निकल पैरामीटर ऑफ द रेडिएशन आर इट्स एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, कि क्या उसका एम्पलीट्यूड है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है। These are the technical parameters which are related to the radiation. So now I hope that you are able to understand what is the radiation. सबको समझ में आ रही है भाई? Yes sir. So इसके बाद similarly जो है तुम्हारा, जैसे as we have discussed के mathematically हम जो है तुम्हारा convection के mathematically हमने convection को और conduction को represent किया था, similarly हम radiation को भी हम क्या करते हैं, represent करते हैं कैसे, एक मैथमेटिकल इक्वेशन से, एक मैथमेटिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं करेंगे? यस या नो बताइए। करेंगे सर। सो सपोज करो कि वी हैव द सन, ये हमारे पास ये सन है, और सन क्या कर रहा है, चारों तरफ को वही अपने रेडिएशन रिलीज कर रहा है, ऑल साइड में रेडिएशन रिलीज कर रहा है, नहीं कर रहा? यस या नो बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब हाउ वी कैन मेजर दिस रेडिएशन, इस रेडिएशन को हम मेजर कैसे कर सकते हैं? सो इसको मेजर करने के लिए तुम्हारा स्टीफन वाज ए साइंटिस्ट, स्टीफन एंड बोल्ट्जमैन, दे आर टू साइंटिस्ट वो हैव गिवन द गवर्निंग इक्वेशन फॉर टू मेजर द रेडिएशन। रेडिएशन को मेजर करने के लिए स्टीफन एंड बोल्ट्जमैन ने क्या तुम्हारे इक्वेशन दिए, एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ द स्टीफन एंड बोल्ट्जमैन, दिस इक्वेशन नो इज नोन एज द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इसको हम क्या कहते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं। अब ये क्या है, इक्वेशन क्या है, ये दिस इक्वेशन इज सेज दैट कि ये सपोज करो ये ऐसा हमने ये सन लिया है,
तो सन का हमने सपोज के लिए कि सन की सन के इनसाइड की बात नहीं है, वी आर सेइंग कि जो ये सरफेस है सन की, जो आउटर सरफेस है, इसका जो टेम्परेचर हमने एज्यूम कर लिया वो टी एस है। क्या भी टेम्परेचर क्या तुम्हारा? टी एस। और इसका जो एरिया है, यानी कि ये जो एरिया है, जो ये एरिया है इसका जो सरफेस का, ये हमने ए एस मान लिया है। सरफेस एरिया क्या है? ए एस है। सो स्टीफन एंड बोल्ट्जमैन इज सेइंग दैट कि जो रेडिएशन हीट ट्रांसफर होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जो होगा इसकी टेम्परेचर सरफेस की टेम्परेचर के पावर के 4 के प्रोपोर्शनल होगी। किसके प्रोपोर्शनल होगी? यानी जो इसकी सन का जो सर, इसको भेज दीजिएगा सर गूगल क्लासरूम पे सर। है भाई, रमजान से पहले ही सर भेज दे। सो इसकी जो सरफेस का शायद हम चेक नहीं किया भाई, सरफेस का जो टेम्परेचर है इसका, उसकी पावर के 4 के प्रोपोर्शनल होगी। टेम्परेचर की पावर के 4 के प्रोपोर्शनल होगी। एंड जो इसका एरिया है, यानी इसका जो एरिया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ए एस के। अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या आ जाएगा भाई? What we are getting के क्यू रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए एस एज वेल एज द टेम्परेचर की पावर 4। यस या नो? यस सर। और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो सिमिलरली हमें मिल जाता है ये इक्वेशन, एंड इसको कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन। एंड ये जो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के बाद जो इक्वलिटी का साइन लगाया तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आता है, दिस इज नोन एज द स्टीफन बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पे गिवन है, कितनी वैल्यू होती है इसकी? वॉल हैज बीन गिवन है, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे ये गिवन है 15, कितना है ये 50.5, जितना भी ये वैल्यू है तुम जब देख लेना, जितनी भी वैल्यू है इसकी जो वैल्यू है ये यहाँ पे गिवन है। तो ये दिस इज नोन एज द स्टीफन बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट एंड दिस इज द गवर्निंग इक्वेशन फॉर द रेडिएशन। सो समझ में आया कि रेडिएशन की इक्वेशन क्या होती है? सबको समझ में आया? यस सर। ये तो हमने सन से रिलेट किया था, वी कैन रिलेट इट जनरली। इसको हम क्या कर सकते हैं, जो होता है हम सन को, सन इज आल्सो, यानी सन क्या तुम्हारा एक ब्लैक बॉडी है। सन इज आल्सो नोन एज अ टेक्निकल टर्म है, ये ब्लैक बॉडी है। ब्लैक दिखने में ब्लैक का मतलब नहीं है, ये थर्मोडाइनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं, सन इज आल्सो इज ए ब्लैक बॉडी। सन आल्सो बिहेव लुक्स लाइक ए ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी अगर कोई है, अगर ब्लैक बॉडी नहीं है तो ब्लैक बॉडी है तब तो ये लॉ इसमें एप्लीकेबल है, ये लॉ इसमें एप्लीकेबल है स्टीफन बोल्ट्जमैन। अगर वो ब्लैक बॉडी होगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा? नहीं, ब्लैक बॉडी होगा तब भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा वो मैं बता दे रहा हूँ तुम लोगों को। ब्लैक बॉडी होगा तो उसकी हम उसकी एमिसिविटी को हम यहाँ पे इसमें कंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। इसकी जो एक्चुअली क्या होता है कि अगर हमारे पास ये कोई सॉलिड बॉडी है, ठीक है, ये कोई सॉलिड ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी तो मतलब ये है कि ब्लैक बॉडी की जो एमिसिविटी होती है वो 1 होती है। ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी कितनी होती है? यानी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। ब्लैक बॉडी की जो एमिसिविटी होती है 1 होती है। सो ये तो ब्लैक बॉडी के लिए आ गया, इसका मतलब इसकी एमिसिविटी अगर हम ई यहाँ पे लिख के भी ई अगर हम एप्सिलॉन नोट हम इसमें इंक्लूड भी करें तो वैल्यू 1 आएगी। तो दिस लाइज इज एप्लीकेबल। बट अगर वो ब्लैक बॉडी नहीं है, कोई रियल सरफेस है, रियल सरफेस जो होते हैं वो ब्लैक बॉडी नहीं होते, उसकी कुछ एमिसिविटी 1 से क्या होती है, कम होती है। एमिसिविटी क्या होती है? ऑलवेज 1 से कम होती है। सपोज करो आई एम से कि 0.6 है, 0.5 है, 0.4 है, 0.3 है, अगर 1 से कम है तो वो ब्लैक बॉडी नहीं है। अगर ब्लैक बॉडी है तो उसकी एमिसिविटी कितनी होगी? 1 होगी। बट एमिसिविटी क्या होती है तुम्हारी, उसकी ब्लैक बॉडी मतलब अगर ब्लैक बॉडी नहीं तो उसकी एमिसिविटी 1 नहीं होती। सो हमें एक इसमें एमिसिविटी को यहाँ पे एमिसिविटी को हमें और इंक्लूड करना पड़ेगा, समझो। अगर ये ब्लैक बॉडी होगी तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो डायरेक्टली यही फॉर्मूला आ जाएगा। अगर ये ब्लैक बॉडी नहीं है तो ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है। तो दिस फॉर्मूला यानी कि रेडिएशन हीट ट्रांसफर इज वैलिड फॉर ऑल दिस, यानी कि दिस इज द इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन हम एमिसिविटी की वैल्यू 1 कर देंगे तो ये तुम्हारा बोथ आर द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, दोनों स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है। बट ये हमारा डिपेंड करेगा कि बॉडी हमारी ब्लैक बॉडी है या ब्लैक बॉडी नहीं है। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? सबको क्लियर है? यस सर। अगर वो ब्लैक बॉडी नहीं होगी तो उसकी एमिसिविटी गिवन होगी, और अगर वो ब्लैक बॉडी होगी तो उसकी एमिसिविटी हम 1 एज्यूम कर लेंगे। 1 होती है आइडियल कंडीशन में, 1 मानते हैं उसको। सन इज यानी कि सन इज जनरली कंसिडर एज ए ब्लैक बॉडी। तो ये समझ में आ गया सबको कि व्हाट इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ।
जनरली रेडिएशन इज यस सर रेडिएशन गवर्निंग इक्वेशन रेडिएशन इज गवर्न बाय द स्टीफन बोल्ट्ज़मैन लॉ सो दिस इज रिलेटेड टू दिस हो गया भाई अब इसके बाद ये एक किरचॉफ लॉ हो रही है किरचॉफ लॉ क्या है भैया कोई बताए मुझे पढ़ के बताए मुझे क्या है किरचॉफ लॉ एनीवन जल्दी पढ़ के बताओ भाई इतना टाइम नहीं है फटाफट आई हैव टोल्ड यू सर किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन स्टेट्स दैट द एमिसिविटी एंड द एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ अ सरफेस एट अ गिवन टेंपरेचर एंड वेवलेंथ आर इक्वल द रेट एट व्हिच अ सरफेस एब्जॉर्ब्स रेडिएशन इज डिटरमाइंड वो जो फार्मूला है भैया मैं ये जनरली ये क्या कह रहा है कि आई हैव गिवन यू द एग्जांपल कि हमारे पास ये ब्लैक बॉडी ठीक है और ये हमारे पास ये एक यानी दो बॉडी हैं हमारे पास ये दो अलग अलग बॉडी हैं सो इससे जो है तुम्हारा रेडिएशन इसकी तरफ को आ रहा सपोज़ करो कि ये सपोज़ करो ये सन है और ये अर्थ है ये रेडिएशन आ रहा तो सन तो चारों डायरेक्शन में रेडिएशन को रिलीज कर रहा अर्थ ओनली कुछ पोर्सन को क्या करेगा इसको एब्जॉर्ब करेगा कुछ ही पोर्शन को तो अब्सॉर्ब करेगा सारे को तो अब्सॉर्ब करेगा नहीं ये सीन बताओ ये सर जो उसके फेस के सामने होगा वो अब्सॉर्ब करेगा इवन दो अर्थ की अर्थ क्या करता है कि ये सारे के सारे रेडिएशन को अब्सॉर्ब भी नहीं करता है जो अर्थ पे रेडिएशन यहाँ पे यानी कि गिर रहा है जो रेडिएशन इस पर स्ट्राइक करता है उसको ये अर्थ क्या करता है कुछ को क्या कर देता है रिफ्लेक्ट कर देता है वापस कर देता है क्या कर देता है कुछ को क्या कर देता है ये रिफ्लेक्ट कर देता है तो यही है कि अगर ये ब्लैक बॉडी अर्थ क्या है तुम्हारा ब्लैक बॉडी नहीं है अर्थ इज जनरली नॉट कंसिडर्ड इज ए ब्लैक बॉडी सन इज ए ब्लैक बॉडी सो अर्थ क्या करता है जो एब्जॉर्ब यानी अगर ये कम्प्लीटली अगर इफ़ आई एम सेइंग अगर मैंने कह दिया कि अर्थ इज ए ब्लैक बॉडी इफ़ आई एम सेइंग कि अर्थ इज ए ब्लैक बॉडी हाइपोथेटिकली इफ़ आई एम सेइंग कि अर्थ इज ए ब्लैक बॉडी तो जितना भी रेडिएशन इस पे सन से आएगा सबको ये अब्सॉर्ब कर लेगा सबको क्या कर लेगा भैया अर्थ ब्लैक बॉडी होगा तब सर हाँ तब अब्सॉर्ब करेगा और उस कंडीशन में क्या होगा हमारा जब ये ब्लैक बॉडी होगा तो जब ये ब्लैक बॉडी होगा या हम ये कहेंगे सारे जितने ब्लैक बॉडी सबको अब्सॉर्ब ले तो इसकी एमिसिविटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी ये कोई एमिसिविटी कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ये करेगा ये करेगा नहीं करेगा ना और आप ये ब्लैक बॉडी होगा तो नहीं करेगा बट क्या है जनरली कि बिकॉज अर्थ इज उन्होंने ब्लैक बॉडी तो वो क्या करता है कि कुछ पोर्शन को क्या कर देता है रिफ्लेक्ट बैक कर देता है और कुछ पोर्शन को क्या कर लेता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है कुछ पोर्शन को क्या कर लेता है वो एब्जॉर्ब कर लेता सो ये जो अल्फा है यानी कि जो किरचॉफ लॉ ये तुम्हारा एब्जॉर्प्टिविटी से रिलेटेड है इट इज़ रिलेटेड टू द के अगर किसी यानी कि सन से अर्थ पे रेडिएशन आ रहा है तो हाउ मच कितना ये अर्थ जो है उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है वो जो मतलब दो बॉडी की एब्जॉर्ब या किसी बॉडी की एब्जॉर्प्टिविटी डिपेंड करेगी टेक्निकल पैरामीटर पे कि उसकी एब्जॉर्प्टिविटी कितनी है एब्जॉर्प्टिविटी इज जनरली मेजर बाई अ टेक्निकल पैरामीटर एल्फा एल्फा से इसकी वैल्यू क्या होती है तुम्हारी जीरो से वन के बीच में लाई करती है जीरो से वन के बीच में लाई करती है अल्फा की वैल्यू ठीक है तो अगर एब्जॉर्प्टिविटी उसकी वन है इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी को एब्जॉर्ब कर लेगी वो तो ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिविटी वन होती है बट अर्थ इज नॉट ए ब्लैक बॉडी तो वो कुछ का कुछ पार्ट को क्या कर देगी रिफ्लेक्ट बैक कर देगी यहाँ पे दिख रहा ना कि यहाँ पे क्या रहा है कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कि जितना इंसिडेंट सन से आया था अर्थ पे कुछ तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया कुछ तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ को क्या कर लिया रिफ्लेक्ट बैक कर दिया यस या नो तो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगी कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी जीरो हो जाएगा बट अगर अर्थ क्या है तुम्हारा अर्थ तो ब्लैक बॉडी है नहीं अर्थ की कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्टिविटी है सपोज करो मैं कह रहा हूँ 0.6 है तो 0. यानी 60% को एब्जॉर्ब कर लेगी और बाकी 40% को क्या कर देगी ये रिफ्लेक्ट कर देगी सो किरचॉफ लॉ जो इसी से रिलेटेड है किरचॉफ लॉ इज सेइंग दैट के किरचॉफ लॉ कह रहा है तुम्हारा कि एमिसिविटी एंड एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ ए सरफेस एट ए गिवन टेंपरेचर एंड वेवलेंथ आर इक्वल ये कह रहा है कि एक पर्टिकुलर टेंपरेचर और वेवलेंथ पे किसी यानी कि जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था सपोज के अर्थ की एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी क्या हो जाएगी वन हो जाएगी
यानी कि वो इक्वल हो जाएगी। इक्वल का मतलब ये हो गया कि जितना ये अब्सॉर्ब कर रहा उतना ये रिफ्लेक्ट करेगा, जितना ये अब्सॉर्ब कर रहा उतना ही क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट हाँ रिफ्लेक्ट करेगा तो ये क्या होता है तुम्हारा एमिसिविटी होता है। रिफ्लेक्शन कितना कर रहा है वो उसकी एमिसिविटी होता है, कितना ये रिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब कितना एमिट कर रहा है, कितना एमिट कर रहा है और कितना ये अब्सॉर्ब कर रहा है। तो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है ऐसा, हर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और वेवलेंथ पर होता है ऐसा। वो इसने जो है अपनी रिसर्च में किया था, तो तुम्हें इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बट किरचॉफ लॉ इज सेइंग दैट ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और वेवलेंथ पे क्या होता है एब्जॉर्प्टिविटी और एमिसिविटी इक्वल होती है। और बट ये तुम्हारा इसमें कोई ऐसा तो नहीं, इसका जो दिया है फंडामेंटल जो गिवन है वो इस इक्वेशन से इक्वल है। ठीक है, बस समझ में आ गया नहीं सबको? सर ये इक्वेशन क्या बोल रहा था, क्यू एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू अल्फा क्यू इंसिडेंट। ये बेटा ये कह रहा है कि जो तुम्हारा एब्जॉर्प्टिविटी है इसकी, यानी इसकी जो एब्जॉर्प्टिविटी है वो इस इक्वेशन से गवर्न होगी, बस ये कह रहा है, बाकी कुछ नहीं कह रहा है। ओके सर, सो ये तुम्हारा यहाँ तक आज के लिए ये हो गया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आइस इंजन वगैरह पढ़ेंगे। आइस इंजन वगैरह नहीं पढ़ा अभी तुम लोगों को? सर नहीं हुआ अभी। नो सर। तो वो तो तुम लोगों ने पढ़ा रखा है ना, आइस इंजन नहीं पढ़े होगी? नहीं सर, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। ये सर बेसिक्स पढ़ रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग।